सो वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। और आप लोगों को हम लोगों ने एक बिल्कुल हाई एंड सेटअप वाली स्कॉडा स्लाविया जो है वो गाड़ी हम लोगों ने दिखाई थी। आज हमारे पास जो गाड़ी है ये है आप लोगों की फोक्सवैगन की वर्चुस बोल लो, बहुत सारे नामों से लोग जो है इसको बोलते हैं। तो पाजी, मेरे को ये तो पता है कि आपने गाड़ियाँ बहुत सारी करी, लेकिन हम शोकेस नहीं कर पाए। हाँ जी, हाँ जी। तो आज ये जो गाड़ी है कौन सा वेरिएंट है, पहले लोगों से ये शेयर कीजिए। देखिए, ये वर्चुस का स्टार्टिंग मॉडल ही है, ठीक है, आई थिंक 1 लीटर वाला। इसमें कंपनी से स्टॉक सिस्टम तो लग के आता है बेस वेरिएंट में, तो स्क्रीन थोड़ी छोटी है, लेकिन हाँ बहुत लोग इसकी अपग्रेड्स का प्लान कर रहे हैं, लेकिन हमने भी बहुत ज़्यादा अपग्रेड नहीं करें क्योंकि जर्मन कार्स में लोग कंफर्टेबल नहीं होते इतनी इजीली। एक तो वारंटी डर बहुत बिठाया होता है कंपनी वालों ने, तो लोग डरते हैं, लेकिन अपग्रेड का बहुत क्वेरीज आती हैं। तो आज ये वीडियो हम उन्हीं के लिए बना रहे हैं कि बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, वर्चुअल में अगर तरीके से किया जाए तो एक इजीली अच्छा इंस्टॉल किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं अपना पहले आप लोगों को पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो मैंने भी अभी पोलो ली थी, पोलो में हम लोगों ने प्लग इन पे लगाया था, एंड लॉट्स ऑफ पीपल आर मीटिंग मी, वो गाड़ी के अंदर बैठ के सबसे पहली चीज़ ये पूछते हैं कि इसके अंदर लगा कौन सा, इसके अंदर सबवूफर कौन सा लगा रखा आपने। तो भाजी, वो किस चीज़ से कमाल आया था पहले ये बताओ, वो कौन से प्रोडक्ट का कमाल है? सबसे अच्छी बात इन कार्स में ये होती है कि बेल्ट बॉडी लैंग्वेज बहुत बेटर होती है बाकी कार से। तो एक, अगर आप नॉर्मल स्पीकर अपग्रेड्स भी करते हैं तो आपको नेचुरली मिड बेस और वोकल एनहांस मिलेगा इन कंपैरिजन टू, अगर जैसे आपने पोलो का किया सेम सेटअप हम बलिनो में करते हैं या हम i20 में करते हैं, तो पोलो का रिस्पांस बेस्ट आता है। और मतलब आज भी उस गाड़ी के अंदर जितने बंदे बैठते हैं वो बस ये बोलते हैं यार ये पंच कैसा आ रहा है, ये हमारी गाड़ी में कैसे अटेन हो सकता है। एग्जैक्टली, तो वो पोलो वाला तो अटेन नहीं हो सकता भाई और गाड़ियों में। लेकिन भाई अगेन, आज हमारे पास फिर से एक जर्मन गाड़ी जो है उसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं। तो भाई, जो इसमें हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, अगेन कस्टमर का क्या फीडबैक है, क्या वो चाह रहे थे, तेज आवाज, लाउड आवाज, क्लियर आवाज, क्या चाहते थे कस्टमर? देखिए, कुछ ये पुराने काफी कस्टमर हैं तो इनको अपने आप से बहुत नॉलेज है, तो कुछ सामान इनके पास अवेलेबल था, कुछ सामान ये हमारे से ले रहे हैं, तो एक अच्छा सेटअप कर रहे हैं उसी हिसाब से। क्योंकि पहले हमने इनकी होंडा सिटी भी करी है और एक दो कार्स और करी हैं उनकी, तो उस हिसाब से अभी हम इसमें कंप्लीट सेटअप करेंगे। एक इनका और प्लान था, इनके पास हेड यूनिट ऑलरेडी है पायनियर का, लेकिन अभी तक इसका फ्रेम और कैनवस ओरिएंटेड इसका वो नहीं आया, इंटरफेस एक्टिवेटर, तो अभी हम हेड यूनिट को अवॉइड कर रहे हैं, तो हम DSP रूट के साथ जाएंगे। तो प्लान वही रहेगा कि पहले स्टॉक स्टीरियो से DSP पे, फिर हम एक एम्पलीफायर 4 चैनल लगाएंगे स्पीकर्स के लिए, और एक पावर्ड सब लगा रहे हैं पाइनियर का जो कि इनबिल्ट वूफर के साथ होगा। हालांकि मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं होता पावर्ड सब वूफर्स के साथ, उसका रीज़न मैं देता हूँ। एक तो उसमें जो मोनो ऐप लगा होता है वो बहुत ही बेसिक लगा होता है, और दूसरा वो डिटैचेबल नहीं होता। करेक्ट, तो इस रीज़न से बहुत लोग मेरे को बोलते हैं हाँ अगर कोई रीजनेबल ऑप्शन देख रहा है कि यार कम प्राइस पर वूफर लग जाए तो वो एक ऑप्शन होती है, लेकिन मैं हमेशा मोनो ऐप और वूफर को सेपरेट ही प्लान करता हूँ। भाजी, जैसे अब ये जर्मन कार्स है ना, इनके एसेसरीज भी बहुत सारी आती है, तो इसके ना मैंने वो भी देखे, कई सारे लोगों ने मतलब पसार्ट के निकाल के स्पीकर लगा दिए, कुछ लगा दिए, वो क्या चीज है भाई? देखिए, वो आप देखोगे ना, जैसे आपने आपका भी जब स्पीकर्स उतरे पोलो के, तो आपसे एक मार्केट तो लोगों को क्वालिटी नहीं चाहिए, वो जस्ट इन केस जैसे किसी ने क्रेटा से बोस मिला लिया तो उसके हमारे फोन आने लग जाते हैं। जैसे आपने मैं वीडियो दिखाई कि सेल्टोस से हमने बोस अपग्रेड किया, करेक्ट, तो मैं हमें बोस का स्पीकर दे दो, बोस का स्पीकर किसी तरह बोस लग जाए, वो बजे ना बजे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ हमारी गाड़ी में बोस का स्पीकर, तो वो एक साइकोलॉजिकली बंदा प्ले करता है, उनको नहीं पता होता कि जब स्टॉक स्पीकर, जैसे अगर आप वर्चुअल का स्पीकर उठा गया वरना में लगाओगे या वरना का किसी और कार में लगाओगे तो वो नहीं बजेगा, नहीं बजेगा, ऑफकोर्स ही बात है। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग वर्किंग यहाँ पर स्टार्ट कर चुके हैं। तो पाजी, सबसे इनिशियल चीज मैं जानना चाहूंगा, डू वी नीड डैम्पिंग ऑन दिस कार और नॉट? देखिए, अगर आप ओवरऑल बाकी कार से कंपेयर करो तो ऐसे डैम्पिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन सिंस कार ओपन हो रही है और इसके में भी कुछ टच पॉइंट्स होते हैं जिनको थोड़ा सा हैवी करना जरूरी है। इसमें भी वो है थोड़ा सा रेटलिंग, वो प्लास्टिक की रेटलिंग है इसमें कि नहीं है? प्लास्टिक की रैटलिंग एज सच नहीं होगी, अभी ब्रांड न्यू कार है, आई थिंक ओनर आपको ज्यादा रिस्पॉन्स बेटर देंगे, लेकिन हाँ अभी गत्तों गुत्तों में, लेकिन इवेंचुअली जब हम इसमें बेटर स्पीकर्स लगाएंगे तो हम प्लास्टिक पैनल्स को थोड़ा सा हैवी करना चाहते हैं ताकि मिड बेस के साथ वो रैटल ना करें, क्योंकि ये जब मेरे पास भी पोलो थी तो ये 2-3 इंस्टेंस मैंने भी फेस किए थे, तो हमने पोलो की या वेंटो की या वर्चेस की जो आज भी हम डैम्पिंग होती है हम उसी हिसाब से डिजाइन करते हैं, क्योंकि हमारा पर्सनल। तो भाई, स्लाविया एंड वर्चुअस जो है वो एक अगेन कॉम्पिटिटर है, सेम सेगमेंट है, सेम ही गाड़ी है, तो इनमें सेम ही वर्किंग होती है, बिल्कुल सेम टू सेम आवाज सबको सेम आएगी, सिमिलर वर्किंग होती है। देखिए, मॉडल बेस्ड है, जैसे इसकी स्क्रीन किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है वो थोड़ा फर्क आ जाता है, करेक्ट, लेकिन ओवरऑल साउंड बहुत अच्छी आती है बाकी कार से। और टू बी ऑनेस्ट, अभी तक मार्केट में जितनी भी कार्स हैं, दिस इज करेंटली वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग सेडान्स, करेक्ट, कोई भी कंसिडर कर रहा है तो इस गाड़ी को, लोग कहते हैं न्यू होंडा सिटी लो, ये लो, तो भाई वर्चुअल अगर आपके पास पैसे है तो आप लोग जरूर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। भाई, सबसे पहली चीज, अभी यहाँ पर हम कौन सी वायर ड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ा सा ऑडियंस का शेयर कीजिए। देखिए, इसमें ना अभी 3 लेवल्स ऑफ वायरिंग का होता है, अभी जो इसमें जो वायर जाती है ये 2 लेवल्स में, एक 18 गेज की आप देख रहे होगे, एक थोड़ी सी पतली है और एक थोड़ी सी मोटी है, ठीक है। ये जो वायर होती है 18 गेज की, ये स्पीकर इनपुट की होती है, जो हम डोर से जो स्पीकर्स कंपनी के स्टॉक स्टीरियो के इनपुट हम
डीएसपी में फीड करेंगे, ठीक है। और एक होती है 16 गेज की जो थोड़ी सी थिकर वायर होती है, वो हम एम्पलीफायर से स्पीकर्स को आउटपुट देने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। और एक जो वायर होती है वो बैटरी से हम एम्पलीफायर को पावर करने के लिए होता है। तो 3 लेवल ऑफ वायर होती है, इनके गेजेस आपको एम्पलीफायर की पावर अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना होता है। भाई एक बहुत क्रूशियल क्वेश्चन, अब ये जो आफ्टर मार्केट में आजकल अपग्रेड हो रहे हैं, लोग क्या करते हैं हेड यूनिट खोल के उसके पीछे कुछ लगे रहते हैं, वो क्या चीज है भाजी? मतलब हमें तो वो चीज नहीं करनी पड़ती, वो लोग क्यों करते हैं? देखिए वो लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक सबसे इजी शॉर्टकट है कि आपने हेड यूनिट खोला, वहां से आपने स्पीकर्स की तार चेक करी अपने टेस्टर से या उसको काटा और फटाफट वायर ले ली। तो मतलब एक तरीके से दे आर आपकी वारंटी वॉइड, तो वारंटी 100% वॉइड कर रहे होते हैं अनटिल एंड अनलेस वो जैक टू जैक कपलर यूज करें और उसकी एक्सटेंशंस क्रिएट करें। वो बहुत ही रेयर बंदे हैं, बहुत ही रेयर होंगे, उसकी भी आपको जरूरत नहीं होती टू बी ऑनेस्ट। फिर स्टीरो खोल रहे हो, फिर आपके निशान आ रहे हैं स्टीरो में और आप उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। तो इससे अच्छा यही है कि जब आपके पास स्पीकर आउटपुट आई हुई है तो थोड़ी सी वायरिंग ज्यादा लगती है तो आप कर लो। हालांकि अगर हम प्लग एंड प्ले, जैसे कई बार हम डीएसपी एम्प्स लगाते हैं कुछ करते हैं, तो हम प्लग एंड प्ले अभी कपलर काफी गाड़ियों के लिए तैयार कर रहे हैं, इनोवा के लिए, फॉर्च्यूनर के लिए, थार के लिए, तो जो बहुत रनिंग आ रही हैं उसके हम प्लग एंड प्ले कपलर्स भी तैयार कर रहे हैं कि आप स्टीरियो खोला सीधा उस कपलर को डीएसपी, लेकिन वो डीएसपी एम्प्स के केस में पॉसिबल है। करेक्ट भाई, तो अभी हमारी यहां पर प्रोसेसिंग पूरी चल रही है, जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ता जाता है मैं आप लोगों को जो है फिर रिस्पॉन्स बता दूंगा। फिलहाल के लिए पाजी एक बार प्रोडक्ट्स की तरफ चले। हाँ जी, यहाँ पर आपने प्रोडक्ट जो है निकाल रखे है। अब यूजुअली जो है पाजी आपको हमेशा कुछ ना कुछ न्यू प्रोडक्ट जो है उसके बारे में जो है बताते हैं। पाजी इस टाइम पे सबसे ट्रेंडिंग सबवूफर कौन सा चल रहा है जो वैल्यू फॉर मनी आपके अकॉर्डिंग, अगर कोई बंदा आंखें बंद करके लेने का सोच रहा है जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है? देखिए ट्रेंडिंग ऐसा नहीं है, लेकिन जो तीनों ब्रांड्स हैं जो हम एसपीएल में चलती हैं या अच्छे सबवूफर में चलती हैं वो हैमरटेक, सनडाउन और डीडी हैं। ठीक है, ये टॉप नॉच है हमारे। हाँ, इन तीनों में ही कंपटीशन चल रहा है और बहुत सारी आई। देखिए कई ब्रांड्स आई, कईयों के वारंटी इश्यूज हैं, कईयों में आउटपुट के इश्यूज हैं। अभी हमने लास्ट फॉर्च्यूनर में भी आपको दिखाया कि किस तरीके से इश्यूज लोग फेस कर रहे हैं। तो इनमें जो इनकी सर्विस ओरिएंटेशन है, जो क्वालिटी है, जो एनक्लोजर्स के डिजाइनिंग है, वो बहुत ही बैकअप सपोर्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है, तो रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। तो अभी बहुत अच्छी अच्छी कार्स तैयार होने वाली हैं और एसक्यू में भी बहुत अच्छी अच्छी ब्रांड्स आ रही हैं। इसमें आने वाले वीडियोस में आपको मजा आएगा। इसमें भी हम फोकल का कंपोनेंट लगा रहे हैं। फोकल भी देखिए बहुत अच्छा पुराना ब्रांड है, इसमें कई बार सीरीज कुछ नहीं आई है, कुछ डिसकंटिन्यू हुई है, बीच में काफ़ी हद तक इन्होंने बहुत स्टॉप लगा दिया था क्योंकि बहुत सारी फेक्स भी इसमें बहुत आ गए थे फोकल में। तो अब कंपनी दोबारा इंप्रोवाइज कर रही है, बेटर कर रही है। तो इट्स ऑलवेज अ वेरी वेरी बिल्ट वेल बिल्ट प्रोडक्ट। आप देखोगे तो अगर डिजाइनिंग वगैरह वाइज फोकल अच्छा प्रोडक्ट रहा है। ये डुअल क्रॉसओवर था, इनका भी बहुत पहले मॉडल आता था, हम काफ़ी 8-9 ईयर से ये मॉडल हमने काफ़ी बार लगाया था। डीडी में भी ये डुअल क्रॉसओवर का मॉडल आया था जिसमें ट्विटर्स के क्रॉसओवर अलग हो गए थे और आपके मिडवेज के क्रॉसओवर, तो इसमें भी सेपरेट क्रॉसओवर्स हैं। ठीक है, और कंपोनेंट हमारे चारों ये लगेंगे। ठीक है, कि इसमें डैम्पिंग प्लान होती है। ओके, और ये हमारा बिल्कुल बेसिक डैम्पिंग, ये पाइनियर का स्टीरियो इन्होंने लेके रखा है, बहुत इंस्टॉलेड अभी हम प्लान नहीं कर रहे। पाइनियर का लेटेस्ट स्टीरियो आया था 8550 इंच में वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड होगा। तो बहुत अच्छा दिखाया भी तो फॉर्च्यूनर में, ये वाला नहीं दिखाया, इसके ऊपर वाला मॉडल था 9350। ये थोड़ा रीजनेबल अराउंड 50,000 की रेंज में इन्होंने हेड यूनिट, और ये बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है, गुड स्टीरियो। अगर किसी को क्वालिटी साउंड चाहिए, अच्छे फीचर्स चाहिए, हो सकता है कि आपको कैनवस वाले सारे फीचर इसके अंदर ना मिले, लेकिन हाँ अभी देखिए वर्किंग हो जाएगी। वर्चेस अब इतनी पॉपुलर आफ्टर मार्केट गाड़ी नहीं है जिसमें आफ्टर मार्केट काम होता है, अगर नहीं तो अब तक हो चुका होता। तो अगर ये कस्टमर का चाहे तो ये तो इसकी ओरिजिनल जो हेड यूनिट टॉप मॉडल आती है वो भी तो अटेंड कर सकते हैं, वो भी तो आजकल आफ्टर मार्केट में अवेलेबल है। नहीं अवेलेबल होगी, देखिए वर्चुस वही मैं कह रहा हूँ ना, जैसे क्रेटा के समान बहुत है या विटारा या ब्रेजा, या ये उतनी आफ्टर मार्केट फ्रेंडली गाड़ी नहीं है। तो इसके जब शौकीन लोग जब वर्चुस लेंगे तो वो धीरे धीरे इसकी मॉडिफिकेशन, पोलो की मॉडिफिकेशन अब जाके आ रही है। करेक्ट करेक्ट, अभी मैंने लास्ट एक पोलो देखी, बंदे ने सुपर्ब की उसमें सीट लगाई थी और बिल्कुल परफेक्ट, आई वाज अमेज्ड किया, बढ़िया काम कर रहा था उसने। ठीक है, तो भाई ये चीज़ आप लोगों को पता है कि कैसे क्या वर्किंग होती है। अगेन हम लोग जो चीज़ आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। अभी इसमें हम सब ऊपर प्लान नहीं कर रहे भाजी, सब ऊपर प्लान कर रहे हैं। ये पाइनियर का पावर सब लगेगा इसमें, अभी मैं आपको खोल। अच्छा, पावर सब है जो आप कह रहे थे कि आप वैसे रिकमेंड नहीं करते। हाँ, और एक इसमें ये डीएसपी आएगा। कस्टमर जो है वो ओल्ड स्कूल पसंद करते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ उन्होंने अपना दिमाग लगाया हुआ था सामान में तो लिया हुआ था, कुछ हमारी हेल्प ले रहे थे, अगर होता तो हम पूरा फ्रेश भी दे सकते थे उनको। ठीक है, लेकिन अब उन पे सामान कुछ पड़ा है तो फिर हम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये चीज दिखाने वाली भी बनती है, ये वैसे मिलती है भाजी आज के टाइम पे? क्या ये पावर्ड वाला जो है? हाँ हाँ मिलता है, ये तो भरा पड़ा है सर, मार्केट भरी पावर्ड से है। अच्छा, चलो आपको रिस्पॉन्स चेक कराएंगे, फिलहाल के वर्किंग को कंटिन्यू करते हैं।
तो गाइज आप लोगों ने आउटपुट सुन लिया है। अगेन ये NCS का आउटपुट था तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, लेकिन जैसा आप लोगों को पता है कि भाई हम लोग एक कस्टमर फीडबैक जरूर यहाँ पर रखते हैं। हमारे साथ गाड़ी के ओनर, एक बार नाम बता दीजिए सर। कुणाल भाई हमारे साथ है, हमारे साथ दूसरे भाई भी है, आदित्य भाई जो है उन्होंने रिकमेंड किया कुणाल भाई को कि आपने काम मोटर कॉन्सेप्ट से ही कराना है। भैया और भैया जो है वो पहले से जानते हैं, भैया जो है अब मोटर कॉन्सेप्ट की फैमिली में जुड़ गए। तो एक बारी भैया से पहले फीडबैक लेते हैं। माइक बढ़िया तरीके से आप पकड़ लो हाथों में। अच्छा, अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा। सबसे पहले भैया, जो आपकी पूरी वर्किंग हुई वो कितनी सेटिस्फाइंग थी, पहले ये बताइए। पूरी सेटिस्फाइंग थी, अलग अलग मेंबर, अलग अलग टीम पूरी लगी हुई थी और काम कितना क्लीनली हुआ। चार्ज कर रहे थे आपको, वर्थ इट लगे कि इतने पैसे दे रहे हैं। वर्थ इट और कितना क्लीनली काम हुआ, थोड़ा ये बता दो। क्लीनली काम हुआ है। अच्छा, वैसे मेरे को लग नहीं रहा था इतना नीट एंड क्लीन काम होगा और इतने सफाई से। ज्वेलरी शॉप पे लग रहा था जैसे कारीगरी चल रही है। हम यही चीज चाहते हैं कि यार कस्टमर का रियल फीडबैक मिलना चाहिए। एक बहुत क्रूशियल चीज है आज के टाइम पे, जैसे आप भी देखते होंगे कि यार यूट्यूब तो एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है जिसमें लोग ऑडियो दिखाते हैं। हम ही नहीं दिखाते, बहुत लोग भी दिखाते हैं, लेकिन उनके और हमारे काम में फर्क है। फर्क है डेफिनेटली, जिसे नहीं लगता वो फील करो आके, है ना। ये भाजी हम क्यों कस्टमर एंजॉय कर रहे थे, बाकी दूसरी कार्स भी आई थी तो उनके भी सेटअप सुन रहे थे तो एंजॉय कर रहे थे। मतलब फील था कि हाँ यार ऑडियो कल को और बेटर लेके जाना है और अच्छा लेके जाना है। अब देखो भैया की जो वर्टेस में काम हुआ है इसमें थोड़े प्रोडक्ट इनके थे, नहीं तो पाजी एक रिकमेंडेशन ऑडियंस को बताओ कि कौन सा सबसे बढ़िया रिकमेंडेशन, अगर आप प्लग एंड प्ले में जर्मन गाड़ी के लिए बोल रहे हैं स्पेशली। अगर प्लग एंड प्ले के स्पीकर्स तो लग रहे थे, जैसे भैया ने एम्पलीफाइड साउंड चाहिए तो स्पीकर्स वर डिसेंट, अभी हमने सुने भी हैं। वोकल इज अ गुड ब्रांड। हाँ, मैंने जैसे शुरू में भी कहा था कि मेरा फेवरेट जो एरीज है उसके बारे में क्या कहोगे। देखिए एरीज नो डाउट अच्छा है कंपोनेंट, क्योंकि मिड बेस की रिक्वायरमेंट सबको लगती है तो वो पूरी करता है। दूसरा, जब हमने कहा कि हाँ एम्पलीफाइड वूफर, सिर्फ इसमें इशू ये रहता है कि डिटैचेबल नहीं होता। Correct. और बहुत डीप बेस नहीं ले पाते जितने भी पावर्ड सब वूफर होते हैं। ये शक्ल दिखा दे कैसा दिखता है। हाँ, हमने एम्पलीफाइड वाला एक पायनियर का बहुत पॉपुलर है ये। तो भाई देयर यू गो, ठीक है ये पायनियर का है, इसका मॉडल है TSWX 300A। ठीक है, 1300 वॉट का ये आता है, बहुत कॉम्पैक्ट है, देखने में थोड़ा अलग है। ये पाजी ओल्ड स्कूल तो होगा, लेकिन ओल्ड स्कूल इन द सेंस, देखिए आजकल बहुत लोग चाहते हैं कि एक डिसेंट प्राइस में एक अच्छा आउटपुट मिल जाए, तो उस पॉइंट पे परफॉर्मेंस वाइज इट्स वेरी डिसेंट। लेकिन द ओनली इशू इज सारी वायरिंग्स आपकी यहाँ पे रहती हैं, और हम जैसे वो प्लग सिस्टम कहते हैं कि कभी भी आपको बूट स्पेस यूज करें, अगर आपका बूट का इतना आपका डिटैचेबल वाली चीज खत्म हो गई। हाँ, तो वो एक थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी का इशू होता है, इसलिए बहुत लोग हम रिकमेंडेशन। ठीक है, तो हम फाइनल फीडबैक भाई से लेना चाहेंगे। भाई ऑडियंस आपको देख रही है, वर्टेस आपके बाद और भी गाड़ी हमारे पास आएगी वर्किंग कराने, तो आप रिकमेंड करते हैं कि नहीं करते मोटर? डेफिनेटली, मैंने तो लेने के टाइम पे ही सुन लिया था भाई से कि काम कराने तो यहाँ से कराना है, एंड फाइनली मेरे को टाइम मिला भैया। और भाई आप कितने यंग हो, पहले एज बताओ अपनी, ये मैं क्यों पूछ रहा बताऊंगा फिर भी। 23 ईयर्स भाई, 23 ईयर्स के है भाई, और हम सब 30 साल से प्लस ही है। पाजी, पाजी आप 30 प्लस ही हो ना? मैं 25। ठीक है भाई, तो अब आप लोग एक चीज देखते हो कि जो यंग ब्लड है वो तो खींचता हुआ आता ही है। अब हम लोग भी बूढ़े हो गए, लेकिन हम लोग अभी भी ऑडियो का शौक रखते हैं। किस चीज को? ऑडियो, मतलब ऑडियो सुनने का, ऑडियो अपग्रेड कराने का। देखिए ऑडियो एक ऐसा शौक है, लोग कहते हैं ना इतनी एज में ही होता है, ऐसा तो नहीं है भाई। नहीं, ये लाइफ टाइम का शौक है। देखिए म्यूजिक, आपका म्यूजिक टेस्ट चेंज हो सकता है, आप मे बी पंजाबी से आप जैज पे या आप कोई सूफी पे जा सकते हो, लेकिन म्यूजिक रहेगा आपके साथ। वेरी नाइस। आपने पैक पीना है तो म्यूजिक सुनना है। ठीक है, आपका अच्छा मूड है तो आपने म्यूजिक। भाई हम तो कुछ भी रिकमेंड नहीं करते कि आप कुछ भी ऐसी चीजें करो, लेकिन हाँ पाजी ने केवल एक एग्जांपल के उससे आप लोगों को ये चीज समझाई है। आज की ये वर्किंग हुई है मोटर कॉन्सेप्ट में। आज हमारे पास थी वर्टेस, इस गाड़ी में अलॉय व्हील भैया ने अपग्रेड करा रखे थे, तो प्लीज बेस मॉडल से इसको वो मत करना। भैया ने लिप स्पॉइलर भी लगा रखा है, इससे भी वो मत करना, और लाइट्स भी चेंज है, इससे भी मत करना। तो इससे पता चलता है कि ये यंग ब्लड है और इनको गाड़ी चेंज करने के लिए चीजें जो है वो चाहिए। ठीक है, अगर ये वर्किंग आप लोग कराना चाहे आप लोग मोटर कॉन्सेप्ट आ सकते हैं। ऑडियो आउटपुट आपको कैसा लगा है जरूर बताना। अगर आप में से किसी के पास भी वर्टेस है, वी हैव दी प्लग एंड प्ले ऑप्शंस आल्सो। हम इसको SPL भी बना सकते हैं, इसको SQL भी बना सकते हैं। हाँ, सिडान गाड़ी में थोड़ा सा बेस पैदा करना थोड़ा मुश्किल होता है। Exactly. लेकिन हम काट पीट के बहुत सारी जगहों से आपकी आवाज बढ़ा सकते हैं। भाजी नहीं, काटने पीटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बेस हैवी हो सकता है। हो सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम मुसाफिर 11, फेसबुक मुसाफिर कास्ट। ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, मिलेंगे आप लोगों से एक और नई वीडियो के साथ। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड एक बार ऐसे कर दो, बाय बाय।